चलेंगे। तो हमने कल ये स्टडी किया था ट्रांसपोर्ट के, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे थे हम, उस पैसिव ट्रांसपोर्ट की तीन टाइप्स में से हमने कल जो टाइप डिस्कस की है, पहले दो टाइप्स हम डिस्कस कर चुके थे, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और कल जो टाइप हम डिस्कस कर रहे थे वो थी ऑस्मोसिस, वो थी ऑस्मोसिस। सब लोग आ गए हैं? अभी भी कुछ लोग नहीं आया, लीना नहीं है आज, मुझे हानिया और वर्दा ये सब नहीं नजर आ रहे। क्या आए नहीं है अभी क्लास में, या कहाँ है, गायब नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी है नहीं, अमरता भी नहीं आ रही है। तो जरा जल्दी से सब लोग आ जाएं, बॉयज में भी आदिल तो है, चले अरहम भी आ गए, और जायान ने कैमरा ऑन नहीं किया है, और भी बॉयज थे वो कहाँ है सब, जरा सब आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं सब, शाबाश, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से आ जाएं। खतीजा तो आ गई है, गुड। अमरता एंड बानिया, वर्दा, इन सब का वेट हो रहा है। आप लोगों की भी रेडी हो गए होंगे, लेक्चर कॉपी सामने होंगी, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोसिस से रिलेटेड हमने बात की थी कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की तीन कॉमन चीजें थी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकेंड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑस्मोसिस में भी यही कुछ है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं। हमने इन चीजों में यही बात पढ़ी है कि मैकेनिज्म एक ही फॉलो हो रहा है, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कल हमने एक और सेंटेंस इंट्रोड्यूस किया था, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, आपको याद होगा, और मैंने इसका मतलब भी बताया था, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक सेंटेंस है, और उसके क्या मीनिंग है, उसके मतलब है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मैकेनिज्म पैसिव ट्रांसपोर्ट के सारे टाइप्स फॉलो कर रही हैं। सिर्फ फर्क ये है इन तीनों टाइप्स में कि इनके टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनके पैसेज ऑफ मूवमेंट डिफरेंट है। जैसे डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स थे कुछ डिफ्यूज हो रहे थे, जो नॉन पोलर स्मॉलर थे वो लिपिड बाइलेयर से पास हो रहे थे, वो डिफ्यूजन थी, और जो पोलर प्रोटीन से पास हो रहे थे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थी। अब बचता है मटेरियल, या अब जो बचते हैं वो है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑस्मोसिस एक्चुअली मूवमेंट है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये बात हम शुरू से ही हमने जो है क्लियर कर दी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं वो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। फॉलो वही करेंगे डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, किस चीज का, अगर वॉटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो वो फ्रॉम हायर वॉटर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर वॉटर पोटेंशियल टू लोअर वॉटर पोटेंशियल, टू लोअर वॉटर पोटेंशियल, यानी वही डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन्होंने फॉलो किया। लेकिन वॉटर, जहां पे वॉटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं वहां से वॉटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम लोअर, फ्रॉम द हायर साइड टू द लोअर साइड, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमिएबल, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये सारी चीजें हम जितना भी ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं वो थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ही पढ़ रहे हैं। तो अब अगर वो ऑस्मोसिस भी है और उसमें पैसेज जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, तो वो भी थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होनी चाहिए है। इसकी हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी कि अगर एक साइड पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, सेंटर में अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसकी एक साइड पर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, ये रहे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स,
और दूसरी साइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है, बाकी कोई और भी अगर सॉल्यूट मौजूद है तो वो भी है, फॉर एग्जांपल व्हाटएवर जो भी सॉल्यूट है। यहाँ पे हम सिर्फ ऑस्मोसिस देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, हमेशा मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर साइड टू द लोअर साइड, और ये मूवमेंट तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक दोनों साइड पे मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी इक्वल ना हो जाए। यानी वाटर मॉलिक्यूल हायर से लोअर तो मूव करेंगे, लेकिन जब दोनों साइड पे वाटर की पोटेंशियल सेम हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, तब ये मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। और दोनों साइड पे अब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई है क्योंकि वाटर पोटेंशियल दोनों पे सेम है, जितना वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स वहां है। तो दिस इज अबाउट ऑस्मोसिस जो कल हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम्पल क्या है। देखें एग्जाम्पल्स तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आती ही रहेंगी, लेकिन फिर भी जहां जहां लिविंग सेल में वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एंटर होता है, वो थ्रू ऑस्मोसिस होता है। लिविंग सेल मींस अगर वो प्लांट के सेल्स हैं तो प्लांट सेल में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट, थ्रू द रूट्स, रूट्स में जो वाटर एंटर होता है, रूट्स होती है ना सॉइल के अंदर, तो सॉइल में हम पानी सॉइल में डालते हैं और सॉइल से पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है रूट्स के थ्रू। तो रूट्स में भी थ्रू ऑस्मोसिस वाटर एंटर होता है टू द सेल एंड फाइनली वो प्लांट में एंटर हो जाता है। अगर एनिमल सेल है, किसी एनिमल का सेल है, उसमें भी वाटर की मूवमेंट, वाटर एंटर होना इनसाइड द सेल इज टेकिंग प्लेस थ्रू ऑस्मोसिस। सो दिस इज अबाउट ऑस्मोसिस। थोड़ा सा एक पिक्चर शेयर कर देती हूँ विद द डेफिनेशन एंड ऑल, आप देख लीजिए अगर आपको कॉपी करना हो तो। जी ये देखिए, दिस इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल, और इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, मीनिंग दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी और एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस। इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा द वाटर मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। So the site where the water molecules are in a greater amount, in a high potential, high range, they will move from higher side towards the lower side. And this movement will continue till the number of molecules of water becomes same at both the ends. जैसे ही number of molecules same हो जाएंगे, ये चीज यहीं पे stop हो जाएगी और movement एकदम रुक जाएगी. So this is all about osmosis, और इसकी example भी हमने discuss कर ली. पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोबारा से एक रीकैप करके, क्विक रीकैप करके हम नेक्स्ट टाइप पे जाने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। हमने अभी बात की पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीजें हैं जो उनके सारे टाइप्स में मौजूद है, और वो दो चीजें थी, नंबर वन डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट। डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हाई टू लो है, ऑलवेज हाई टू लो, ठीक है। और सेकेंड थिंग क्या है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। इन दोनों बातों को एक यहीं पे लिख लेते हैं। पहली बात ये हो गई डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरी बात है एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी की जरूरत नहीं है मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए। मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज को, कोई भी वर्क परफॉर्म होता है, कुछ भी होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल भी होता है, उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट हियर इन पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यहां तक हो गई है ये बात। तो ये सब कुछ, ये जो चीजें थी, ये अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट थी। अब ट्रांसपोर्ट की थर्ड टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो थर्ड टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर कुछ कॉपी करना हो तो आप लोग कर सकते हैं।
अगर कुछ कॉपी करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, अब हम जा रहे हैं थर्ड टाइप डिस्कस करने, और वो थर्ड टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप लोग सब कहाँ गायब थे? जो अब अचानक आ गए सब, वर्धा, हानिया, कैमरे ऑन कर ले जल्दी से सब बच्चे जी। ओके, नाउ द थर्ड टाइप इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है। इसमें क्या होता है कि टोटली जो बात, क्योंकि ये डिफरेंट है, पैसिव अलग टाइप थी, अलग टाइप है, तो डेफिनेटली दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो वही दो पॉइंट जो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी डिस्कस किए, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उसके बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला है। यानी वहां पे डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था फ्रॉम हायर टू लोअर, यहाँ पे है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मतलब क्या है? डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मैंने मतलब बताए थे, एक थी साइड हाई और दूसरी साइड थी लो। डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे फ्रॉम हायर टू लोअर साइड, ये मैंने इसके मतलब बताए थे आपको डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, रिमेम्बर? ठीक है, ये बताए थे, यही बताए थे ना। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मतलब यकीनन जो चीज है और उसके अगेंस्ट जाने का मतलब ये हुआ कि नाउ द मूवमेंट इज फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ द मूवमेंट इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहां पे आयन कम होंगे वहां से मूव करेंगे टूवर्ड्स हायर साइड। दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एंटायरली ऑपोजिट टू पैसिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट डिफरेंस इज दैट इट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। एक तो ये बात हो गई। And the second thing is energy is required for active transport. यहाँ पे energy चाहिए होगी for the movement of molecules. अब तक movement of molecules के लिए energy नहीं चाहिए थी, अब energy चाहिए होगी because the movement is from lower concentration to higher concentration. सब लोग यहाँ पे जरा पेन रखने अपने और एक बात सुने भाई। अगर कभी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को कहते हैं कि वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है, यानी वो कॉन्सेंट्रेशन के रूल को फॉलो कर रहा है कि हमेशा हायर से लोअर की साइड पे मूवमेंट होती है। एक नॉर्मली नेचर का रूल क्या है कि जब भी आप कोई काम रूल के हिसाब से करें वो बड़ा स्मूथली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अम्मी ने घर का एक रूल बनाया है कि सब लोग 9 बजे खाना खा लेंगे और 10 बजे तक सब अपने अपने कमरों में चले जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, सब सो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है ये रूल तो आजकल के जमाने में किसी घर में नहीं चलते, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये रूल है। अब आप लोग जो है वो तमीज से इस रूल को फॉलो करते हैं, सब 8 बजे खाना खा लेते हैं, 9 बजे खाना खा लेते हैं और 10 बजे तक सब सोने चले जाते हैं। घर में बहुत सुकून है, बहुत रिलैक्सेशन है। अचानक हमारी क्लास में से कोई भी एक बच्चा, समझे फॉर एग्जाम्पल वरुण कुमार को ख्याल आया कि क्यों ना अगेंस्ट द रूल काम करके देखा जाए। अगेंस्ट द रूल मीन्स आजकल 2020 के मैचेस चल रहे हैं और रात को 11 बजे मैच आना शुरू होगा और मुझे तो मैच देखना है। अब अम्मी ने 10 बजे पूरे घर में अंधेरा कर देना है और 11 बजे हमें मैच देखना है। जब किसी चीज को अगेंस्ट रूल चलते हैं तो अब वरुण कुमार ने क्या क्या करना है? वरुण कुमार ने सारे बहन भाइयों को वरगलाना है, हम सब जागेंगे,
हम सब मिलके इज्जत करेंगे अम्मी से, हम 9 बजे खाना ही नहीं खा के देंगे, जब तक हम खाना ही नहीं खाएंगे कोई सोने की इजाजत नहीं मिलेगी, और हम सब ठीक ठाक शोर करेंगे, बार बार टीवी खोलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और बहुत कुछ। अब इस इन सारी चीजों में क्या हुआ, अगेंस्ट द रूल चलने से वरुण की एनर्जी कितनी वेस्ट हुई, पहले भाइयों बहन भाइयों को जमा किया, फिर उनको भी 2-4 लालच दी, फिर रूल के खिलाफ चलने के लिए खाने से भी बायकॉट कर दिया, मतलब क्या क्या करना पड़ा वरुण को। तो अगेंस्ट द रूल चलने के लिए एनर्जी यूज हुई, बिल्कुल एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इसी तरह देखें कि अगर वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रूल था और ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इससे हमेशा याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है कि एक जगह है जहां पे बहुत क्राउड है, सही है। अब क्राउड में आप लोग सब घुसे खड़े हुए हैं, सारे मिले हुए हैं, वो क्राउड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे जो है वो टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, सब जल्दी जल्दी अपने टेस्ट पेपर लेने के लिए खड़े हुए हैं, बड़ा क्राउड हुआ है। जैसे ही टेस्ट पेपर मिलता है सब कहाँ भागते हैं, जहाँ कोई भी नहीं है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया पैसे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है, एक स्टेडियम है वहां हो रहा है कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट मालूम है ना, कॉन्सर्ट मालूम है क्या होता है, ठीक है, वरुण को सब मालूम होता है। हाँ, तो कॉन्सर्ट में क्या हो रहा है, बड़ा रश है, कोई सिंगर आया हुआ है, सबका फेवरेट, कौन किसको बुला ले, फॉर एग्जाम्पल आतिफ असलम आया हुआ है या कोई भी सिंगर आया हुआ है, बड़ा जबरदस्त रश है। अब आप बाहर इक्का दुक्का लोग हैं और आपको घुसना है उस क्राउड में, क्या करेंगे आप उस क्राउड में घुसने के लिए, किसी के सर पे चढ़ेंगे, किसी को दांत मारेंगे, किसी को धक्का देंगे, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई में घुसने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है ना। तो कीप दिस इन योर माइंड, द एग्जांपल्स ये कोई बायोलॉजिकल एग्जांपल्स नहीं है ऑल्दो, लेकिन टू कीप द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सेकेंडली दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब जरा बायोलॉजिकल एग्जाम्पल देखते हैं। बायोलॉजिकल एग्जाम्पल है अगेन अ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयंस, सोडियम पोटेशियम, दीज आर द मिनरल आयंस और आयंस कहलाते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, 1, 2, 3 ये सोडियम आयंस है जो आउटसाइड द सेल जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, जबकि इनसाइड द सेल इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल ज्यादा है, आउटसाइड द सेल कम है। नाउ हम ऑब्जर्व करेंगे दैट दी सोडियम आयन एंटर इनसाइड द सेल, दे कम इनसाइड द सेल थ्रू विच पैसेज, प्रोटीन, ये तो आपने देख ही लिया होगा। तो अगर वो लोअर से हायर की साइड पे आ रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको हरगिज भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, दिस इज एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज व्हाट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, क्यों, व्हाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये यहां से वहां क्यों नहीं चले गए, क्या जरूरी था लो से हाई में आने का, ये क्वेश्चन आया किसी के दिमाग में, कि अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, तो यहाँ पे भी हाई टू लो हो जाता, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, सोडियम को एंटर होना है एंड नाउ बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर आउटसाइड एंड हायर इनसाइड, तो नाउ द सोडियम एंटर थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अब उसको इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यानी फॉर द मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर इसको रिक्वायर्ड होगा सेल्यूलर एनर्जी, सेल्यूलर एनर्जी। अभी तक हम बार बार कह रहे थे एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो ये कौन सी एनर्जी है, बिकॉज द होल मैकेनिज्म इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, सो द नेम ऑफ एनर्जी इज सोलर सेल्यूलर एनर्जी, सही है ना भाई, वो सेल्यूलर एनर्जी यानी सेल की एनर्जी। तो सेल की एनर्जी क्या होती है, फिलहाल आपने सिर्फ एक वर्ड दिमाग में रखना है, दैट सेल्यूलर एनर्जी कम फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ATP, ATP,
ये एटीपी किसका एब्रीविएशन है ये तो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन इसकी बाकी की डिटेल्स आपको फ्यूचर में बताई जाएंगी। अभी आपको सिर्फ इसको बता देते हैं ये किस चीज का एब्रीविएशन है। ए स्टैंड फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और जब सेल को जब जब एनर्जी की जरूरत होगी वो ये एटीपी से एनर्जी लेगा। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, एटीपी इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इट इज द एब्रीविएशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कहीं से तो आनी है ना वो एनर्जी, तो वो एनर्जी सेल को सप्लाई की जाएगी थ्रू दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एटीपी। कॉपी द बोर्ड। ओके, so this is active transport, that it is the movement of molecules across a cell membrane from a region of lower concentration to a region of higher concentration against the concentration gradient, and for all this process energy is required which is supplied by the organic molecule ATP. that energy is a cellular energy. एक सेल्यूलर फंक्शन के लिए, एक सेल के फंक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उस एनर्जी को हम सेल्यूलर एनर्जी कहते हैं। और वो सेल्यूलर एनर्जी कहां से मिल रही है हमें? वो सेल्यूलर एनर्जी हमें मिल रही है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एटीपी से। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, आयंस हैं यानी पोलर सब्सटेंस हैं, हमेशा प्रोटीन के थ्रू ही पास होंगे, लिपिड बायलेयर से पास नहीं हो सकते। पास तो प्रोटीन के थ्रू हो रहे हैं लेकिन ये रूल के अगेंस्ट चल रहे हैं, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम लोअर साइड टू हायर साइड आ रहे हैं, दैट्स व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड एनर्जी सप्लाई बाय दिस मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नोन एज एटीपी। एटीपी सही है, आगे चले। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी समझ आ गया सबको? गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन पूछे आप लोग? कुछ तो पूछा करें, कुछ पूछने की जरूरत तो होनी चाहिए। नहीं, खामोश खामोश क्लास रहती है हर वक्त। मतलब आप रेज हैंड कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रही कि आप सोच रहे होंगे मिस ने म्यूट तो किया हुआ है फिर भी कह रही है कुछ बोलें। आप रेज हैंड करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप क्वेश्चन पूछें मुझसे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे खत्म होता है हमारा ट्रांसपोर्ट जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही थी। एक क्विक रिकैप कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन का, ताकि हमें याद रहे हम सेल ही पढ़ रहे थे, कहीं हम इधर उधर नहीं भटक गए, रास्ते ढूंढ रहे हैं हम सेल के थ्रू जाने के और ट्रांसपोर्ट पे चले गए हैं। तो एक्चुअली हम सेल मेम्ब्रेन ही पढ़ रहे हैं। सेल के जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे तो उसमें हमने कहा था कि सेल की फर्स्ट बाउंड्री जो हर सेल में मौजूद है वो है सेल मेम्ब्रेन। सही है, सेल की बाउंड्री जो हर सेल में मौजूद है वो, और सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो बातें हमने डिस्कस की हैं वो ये कि सेल मेम्ब्रेन एक तो सेमी परमीएबल है, जिसको पार्शियली परमीएबल भी कहते हैं, दूसरे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म को सराउंड कर रही है, और थर्ड ये कि ये दोनों प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में मौजूद
मौजूद है। ये बात यहाँ पे जरूर करते हुए चलेंगे आगे कि ये वो बाउंड्री है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद है। ये रही आपकी और ये भी है मेम्ब्रेन आपकी प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। अबाउट द प्लांट एंड एनिमल सेल कि सेल मेम्ब्रेन दोनों तरह के सेल में है, तो अब यहाँ पे एक बात और करेंगे और वो ये है कि देयर इज अनदर बाउंड्री प्रेजेंट, एक और लेयर, एक और भी बाउंड्री है जो प्लांट सेल में तो है बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, लेकिन वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में एक बाउंड्री और है विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन बट विच इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। अब उस बाउंड्री का क्या नाम है? ये तो हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाहर जो है, जो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है, वो होती है सेल वॉल। वो होती है सेल वॉल। इट मींस प्लांट सेल में इस वक्त दो बाउंड्रीज हो गई है, वन इज अ सेल वॉल एंड द अदर इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, वेयर एज सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड पर है, नॉट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो ये हो गई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, जो प्लाज्मा को एक्चुअली सराउंड की है। सेल वॉल इज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द सेल वॉल फर्स्ट। पहले सेल वॉल के बारे में ही पढ़ते हैं क्योंकि हम एक जनरलाइज सेल पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें दोनों में मौजूद है, कुछ चीजें सिर्फ प्लांट में है और कुछ सिर्फ एनिमल में है। तो जो जो चीज जहां पे मौजूद है और जहां पे एब्सेंट है उसको साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले एक जनरलाइज बात की कि सेल मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म को सराउंड की हुई है, प्रोटोप्लाज्म को सराउंड की हुई है और वो इस तरह की है और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और वो किन चीजों को पास ऑन होने दे रही है प्लांट्स और एनिमल दोनों में। लेकिन हमें आगे चले तो हमें पता चला कि एनिमल सेल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में इस वक्त एक और आउटर वॉल है और वो वॉल कह रहा रही है सेल वॉल। नाउ आवर डिटेल्स इज अबाउट द सेल वॉल। ओके, सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जाहिर बात है सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे और सबसे आम बात तो ये कि इट इज प्रेजेंट इन, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल में। अगर एनिमल और प्लांट को कंपेयर करें तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। उसके अलावा भी दो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल होती है और वो दो हैं, यानी सेल वॉल प्लांट सेल में तो होती ही होती है, प्लांट सेल। इसके अलावा होती है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, और थर्ड होती है फंगल सेल। ये बैक्टीरियल सेल कैसा होता है और फंगल सेल कैसा होता है, इनकी डिटेल्स हम आगे बायोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कॉम्पोजिशन हम पढ़ लेंगे ताकि हमें ये पता हो कि ये ऐसी चीज है जो ये किन सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो तीन तरह की चीजें हैं या तीन स्पीशीज हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लांट सेल, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो सेल है उसमें सेल वॉल जरूर होती है। सेकेंडली बैक्टीरियल सेल का में भी सेल वॉल होती है। एंड थर्ड फंगल सेल में भी सेल वॉल होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन योर माइंड दैट द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन दीज थ्री स्पीशीज, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड
द फंगस है. अच्छा, अब सेल वॉल इज हार्ड एंड रिजिड. हार्ड एंड रिजिड का मतलब ये होता है कि वहां पे सेल मेम्ब्रेन को हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा था. फ्लूइड की वजह से वो इरेगुलर थी, लिक्विड ही सी थी. ये जो प्लांट की सेल वॉल है ये हार्ड एंड रिजिड है, सख्त है. वो क्यों सख्त है वो इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में क्लियर हो जाएगा, बट दिस इज हार्ड एंड रिजिड. एंड अगर हम परमिएबिलिटी की बात करें तो इट इज परमिएबल. परमिएबल मेम्ब्रेन, रिकॉल करें फॉरन अपना वो वाला लेक्चर जिसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन? एनीवन फ्रॉम आवर क्लास परमिएबल मेम्ब्रेन, रेज योर हैंड जिसको परमिएबल की डेफिनेशन याद हो. इतनी जल्दी जल्दी पेजेस चेंज हो रहे हैं. वर्दा तो फुल फर्स्ट लेक्चर पे चली गई है, डेफिनेशन मिल गई है उनको, इसीलिए मुस्कुरा रही है. तैयबा को भी मिल गई है लग रहा है. कौन बता रहा है मुझे डेफिनेशन? चलो वरुण जी. वरुण, परमिएबल मेम्ब्रेन, वरुण बताइए. बेटे माइक तो अनम्यूट करो. Means they allow small particles to pass it. They allow all the molecules and particles to come in and out of the cell. क्योंकि वो small holes हैं जिसकी वजह से all material जो है वो enter हो रहा है और बाहर जा रहा है. Permeable membrane है ये. तो cell wall hard and rigid है and permeable membrane है. ठीक है. और अगर वो hard and rigid है तो इसका मतलब it gives a shape to the plant cell. It gives a definite shape to the plant cell. Plant cell का एक definite shape है. अगर वो rectangular होंगे या वो इस तरह से hexagonal होंगे. आहिस्ता आहिस्ता आप जब और plant cells की type पढ़ते जाएंगे, जब हम tissues पढ़ेंगे तो उसमें और बहुत सारे type के plant cells आएंगे. के कुछ लेयर्स में होते हैं, कुछ का काम फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, किसी का काम वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है. आप सारे सेल्स पढ़ेंगे, इवन आप प्लांट सेल में वो भी पढ़ेंगे जिसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस एंड सो ऑन. तो आपको प्लांट सेल के प्रॉपर अलग अलग शेप नजर आएंगे. कुछ रेक्टेंगुलर इलोंगेटेड शेप के और नजर आएंगे आपको, कुछ हेक्सागोनल नजर आएंगे. तो ये सारे शेप कैसे मेंटेन होते हैं? बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. Because a plant cell has a cell wall which has a definite shape. Like cell wall is hard and rigid, therefore it gives a definite shape to the plant cell. जैसे normally आप देखें कोई चीज जब irregular होती है तो वो softer होती है. ठीक है, soft चीज जैसे balloon है, उसकी elasticity है, flexible surface है, और flexible होने की वजह से वो अपना shape change कर सकती है. आप जहां दबाएंगे वो दब जाएगा. लेकिन अगर कोई चीज hard होती है तो वो अपना कभी भी शेप को चेंज नहीं करती, शेप को वो रिटेन करती है या मेंटेन करती है. सिमिलरली हियर इन अ प्लांट सेल द सेल वॉल इज प्रेजेंट विच इज हार्ड एंड रिजिड, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट इट इज हार्ड सख्त एंड रिजिड, देयरफॉर इट हैज अ डेफिनेट शेप और इट गिव अ डेफिनेट शेप टू द प्लांट सेल. इसलिए ये प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप देती है. कॉपी. अच्छा भाई, अब एक और बात करते हैं. हमने कहा कि सेल वॉल प्लांट सेल में भी मौजूद है और बैक्टीरियल सेल में भी है और फंगल सेल में भी है. अब इन तीनों की में जो सेल वॉल है उनकी उनकी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में स्लाइटली डिफरेंस है. और वो डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल की सेल वॉल जिन केमिकल से या जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है जिन केमिकल से मिलके बनी है वो होते हैं सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन. ये क्या है ये जरा मैं अभी बताती हूँ.
तो प्लांट सेल की सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज और पेक्टिन से, जबकि बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल बनी हुई है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और फंगल सेल वॉल बनी हुई होती है फंगल सेल्यूलोज प्लस काइटिन। प्लांट सेल की सेल वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल बनी हुई है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से, और फंगल सेल की सेल वॉल बनी हुई है अगेन फंगल सेल्यूलोज प्लस काइटिन से। अब ये क्या चीजें हैं, डेफिनेटली आपने तो इनके नाम भी पहली दफा सुने हैं, एम आई राइट? पहली दफा सुने हैं पेक्टिन क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, ठीक है? अच्छा, तो सुने ये एक्चुअली क्या चीजें होती हैं, ये सेल्यूलोज पेक्टिन काइटिन दीज ऑल आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारी चीजें टाइप है, ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है? ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या इसका दूसरा नाम है, या ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं या पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है? पॉलीसेक्राइड के क्या मतलब होते हैं, या पॉलीसेक्राइड्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं, ये आपको फ्यूचर में आगे पता चलता रहेगा बायोलॉजी में। फिलहाल आप याद रखिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आप फेमिलियर हैं, आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स के वर्ड से फेमिलियर हैं, तो बस इतना याद रखिए कि ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप्स हैं, सेल्यूलोज पेक्टिन एंड काइटिन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आपने फ्रूट्स देखे, फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स फल जो होते हैं, फलों में आपने कभी नोटिस किया है जूस जो है वो उसके फ्रूट के अंदर पल्प के साथ होता है, ऐसा नहीं होता कि बलून की तरह उसमें जूस सुराख करे और सारा जूस जो है वो बहना शुरू हो, ऐसा तो नहीं होता ना, हमेशा फ्रूट के अंदर जूस जो है वो होल्ड हुआ हुआ होता है। व्हाई? बिकॉज द फ्रूट्स हैव अ कार्बोहाइड्रेट पेक्टिन इन इट जो जूस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है? ये मैं पेक्टिन के बारे में बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये वो फ्रूट्स के अंदर है या व्हाटएवर, ऑब्वियसली प्लांट है तो फ्रूट से ही ताल्लुक होगा, बट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट, दैट दिस पेक्टिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रूट्स, जो जूस को होल्ड करता है फ्रूट्स के अंदर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने आम में यूं सुराख किया और आम में से जूस गिरना शुरू हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? जूस निकलेगा जरूर, लेकिन पूरा का पूरा ऐसे नहीं निकलेगा जैसे आप बलून में सुराख करके वाटर गिरा सकते हैं, ऐसे नहीं निकलता। वाई? बिकॉज इट होल्ड द जूस इनसाइड इट, और वो किस वजह से होल्डिंग हो रही है, इस कार्बोहाइड्रेट की टाइप से जिसको पेक्टिन कहते हैं। तो ये जो सेल वॉल है प्लांट की, उसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट की दो टाइप प्रेजेंट है, वो एक है सेल्यूलोज एक है पेक्टिन। फिर बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है उसमें वो बनी हुई होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की, एंड फंगल सेल की सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है फंगल सेल्यूलोज एंड काइटिन से, ये भी कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप है, ठीक है? तो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक्चुअली जिससे सेल वॉल बनी होती है। अब ये कैसे बनती है सेल वॉल या क्या हो रहा होता है इसके बारे में बात करते हैं, अगर आपको बोर्ड पे से कुछ कॉपी करना हो तो आप कर लीजिए। डन, आगे चलू मैं? ओके, अच्छा भाई, अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, उसका क्या, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है और क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में तो हमने बात की ना, किन दो चीजों से मिलकर बनी है, वो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन।
ठीक है, इन दो चीजों से मिलके बनी है। अब ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि जैसे सेल्यूलोज की ये इस तरह से फाइबर्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड, फाइबर का मतलब होता है धागे, तो सेल्यूलोज के इस तरह से धागे होते हैं और वो धागे एक्चुअली पेक्टिन जो है वो होल्ड कर देता है, ये है सेल्यूलोज के धागे, ठीक है, ये इस तरह से ये सेल्यूलोज के फाइबर जो है वो इस तरह से एक दूसरे के अंदर इंटेंगल्ड हुए हुए होते हैं और उसकी सीमेंटिंग यानी उसको चिपका देता है ये पेक्टिन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट जो है वो इसको जो है इसको बिल्कुल जोड़ देता है, सीमेंटिंग कर देता है। सीमेंटिंग मालूम है ना, जब हम ब्रिक्स रखते हैं तो बीच में सीमेंट लगाते हैं ताकि वो ब्रिक्स एक दूसरे से चिपक जाए, कोई भी चीज को बाइंड करने के लिए हमें उसके लिए कोई ग्लू या एडहेसिव मटेरियल चाहिए होता है, तो बिल्कुल सेल वॉल जब बन रही होती है तो सेल्यूलोज के फाइबर्स ये जो है ये सेल्यूलोज फाइबर्स हैं, ये सेल्यूलोज फाइबर्स बेसिकली एक दूसरे में यूं घुसे हुए होते हैं, इंटेंगल्ड होते हैं और उनको जो जोड़ा हुआ होता है जिस सीमेंट ने या जिस केमिकल ने वो होता है कैल्शियम पेक्टिन, और ये कैल्शियम पेक्टेट यानी ऐसा पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट जो कैल्शियम के साथ कंपाउंड बनाया हुआ है, तो ये धागे आपस में या ये फाइबर सेल्यूलोज के एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाते हैं, सीमेंट हो जाते हैं और इसीलिए सेल वॉल हार्ड एंड ड्राई होती है, ठीक है, ड्राई एंड हार्ड क्यों हो रही है, बिकॉज दे आर इंटेंगल्ड एंड सीमेंटेड विद कैल्शियम पेक्टिन। हाँ जी, हो गया कॉपी है, ओके, नाउ यू सी दिस, ये देखिए इस डायग्राम में क्या है, आपको फाइबर नजर आ रहे हैं, सबसे पहले सबसे नीचे वाली लेयर देखें जिसको इन्होंने कहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नजर आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है, यानी ये वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल के अंदर की मेम्ब्रेन, ये आ गई आपकी सेल वॉल और यहां पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इस सेल वॉल को यहां से इसका हमने मैग्निफाइड पिक्चर देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पर, और वो मैग्निफाइड पिक्चर आपको मैं आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों की मैग्निफाइड पिक्चर नजर आ रही है, यानी उसकी पूरा केमिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये देखिए आप, ये लास्ट लाइन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, और आपको नजर आ रहा होगा प्रोटीन भी लगे हुए इसमें, वो ग्रीन कलर के अलग अलग दिख रहे हैं सबको प्रोटीन लगे हुए, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको दो डिफरेंट कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं रेड एंड ये लाइट ब्लू कलर के फाइबर्स, यही दरअसल जो है वो सेल्यूलोज फाइबर एंड पेक्टेट है, ठीक है, ये रही आपकी सेल्यूलोज फाइबर भी है, सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल का मतलब ही सेल्यूलोज फाइबर्स है, और ये पेक्टिन है जो उसको इंटेंगल्ड होके सीमेंटेड कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ये आपकी एक सेल वॉल है, फिर बाहर जो है जैसे मिडिल लेमेला कहा गया है ये क्या है ये मैं अभी बताने जा रही हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए ये डायग्राम कैसी होती है, प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट एंड फंगल सेल इज कंपोज्ड ऑफ फंगल सेल्यूलोज एंड काइटिन, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छा तो ये तो बात हो गई सेल वॉल की। अब क्या होता है कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल की सेल वॉल डिफरेंट सेल के हिसाब से उसकी थिकनेस भी डिफरेंट होती है, और
वो थिकनेस क्यों डिफरेंट होती है, या सेल या ये केमिकल्स जो है उन्होंने सेल वॉल कैसे बनाई, तो होता ये है कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना पूरा सेंटर में, ये साइटोप्लाज्म भी के अंदर जो है, या ये साइटोप्लाज्म इट्स कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट. यहाँ से पॉलीसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं. सिक्रीशन का मतलब है कि वो एक उसमें से केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है. उन कार्बोहाइड्रेट से जो केमिकल्स निकलते हैं वो ही है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. जब वो सेल्यूलोज और पेक्टिन यहाँ साइटोप्लाज्म जो है प्रोड्यूस कर रहा है, उससे निकल के बाहर की साइड पे जाने लगते हैं, बाहर यानी यू कॉर्नर्स पे जाने लगते हैं. जैसे यू सेंटर से निकलते हैं और फैल के बाहर की साइड पे जाने लगते हैं. जब वो बाहर पहुंचते हैं तो वो यहाँ पे आके यहाँ से निकल रहे हैं और ये यूं बाहर आ रहे हैं. बाहर आके वो डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पे आके वो रुक जाते हैं और रुक के सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. दिस विल फॉर्म अ सेल वॉल. आई एम रिपीटिंग अगेन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइटोप्लाज्म है सेंटर में. सेंटर में से साइटोप्लाज्म से जो विच इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेक्राइड, वो प्रोड्यूस कर रहा है केमिकल सेल्यूलोज और पेक्टिन, जो जाके फाइनली आउटर साइड पे यानी निकल रहे हैं सेंटर से और कॉर्नर्स पे जाके जमा हो रहे हैं. ये कॉर्नर पे जाके जमा हो गए और जमा होने के साथ साथ वो क्या हो गए, सूख गए वहां जाके, ड्राई हो गए, एंड फाइनली दे विल बिकम हार्ड एंड रिजिड. जब जो कोई चीज सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो वो हार्ड हो जाती है. तो यहाँ पे बिल्कुल यही हुआ कि यहाँ बीच में से वो केमिकल निकले और कॉर्नर्स पे जाके सूख गए, और जाके जब वो सूखे तो दे विल मेक अप द सेल वॉल विच इज ड्राई एंड हार्ड. ये सेल वॉल इस तरह से बन गए. अब कुछ प्लांट्स में सेल वॉल ज्यादा थिक होती है और कुछ में इतनी ज्यादा थिक नहीं होती. तो बेसिकली सेल वॉल की भी 3 लेयर्स होती हैं. अगर कोई प्लांट की किसी प्लांट सेल की सेल वॉल ज्यादा थिक है, इसका मतलब उसके पास ये तीनों लेयर्स मौजूद हैं. और अगर किसी सेल की प्लांट सेल की सेल वॉल कम थिन है, तो इसका मतलब उसके पास सिर्फ एक ही लेयर है, ठीक है. अब वो 3 लेयर्स क्या होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं. नंबर 1 प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल. नंबर 2 सेकेंडरी सेल वॉल. सेल वॉल. एंड नंबर 3 इज मिडिल लेमिला. ये 3 लेयर्स अगर मौजूद है किसी प्लांट की सेल वॉल 3 है, तो इसका मतलब वो ज्यादा थिक है. और 3 कौन सी है? ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला. अगर प्लांट सेल की सेल वॉल थिन है, इसका मतलब कि उसके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है. आई बात समझ? सम प्लांट सेल हैज अ थिकर वॉल. अगर थिक है, मोटी वॉल है, तो वो किस वजह से है? ड्यू टू दीज 3 लेयर्स, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला. और अगर वो थिन है, इट मींस दैट ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट. नाउ पुट योर पेन्स डाउन. पेन्स डाउन करें और इसके बारे में अब सुने कि ये अभी तक तो इसने बात ये कही थी कि यहां से साइटोप्लाज्म से सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही है, जो कोने में जाके बाहर की साइड पे जाके सूख रही है, ड्राई और हार्ड हो रही है, और एक सेल वॉल बन गई, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट सेल वॉल बन गई. जो फर्स्ट सेल वॉल बनी है, अब मैं उसको कह दूंगी दिस इज प्राइमरी सेल वॉल. जो फर्स्ट सेल वॉल बनी है उसे मैं क्या कहूंगी? प्राइमरी सेल वॉल. क्यों? जो चीज पहले होती है वो प्राइमरी होती है ना. आपने पहले प्राइमरी क्लासेस पढ़ी थी 4, 5, 2, 3, 4, 5, राइट. उसके बाद आप सेकेंडरी में आए. तो जो चीज पहले जो वॉल बनी है उस सिक्रीशन से, That wall is known as primary cell wall. फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अभी secretions produce हो रही हैं, ठीक है. Cell को जरा thick सी cell wall चाहिए. और secretion produce हुई, वो और बाहर की side पे गई,
और बाहर की साइड पे जाके वो दोबारा जमा हो गई, ड्राई हो गई लाइक दिस. लेकिन जो चीज बाद में निकलेगी वो अंदर रहेगी ना, जो चीज पहले प्रोड्यूस हुई थी वो बाहर जाके जमा हो गई. अब और ज्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस हुई, वो भी गई कॉर्नर पे और जाके यहाँ पे जमा हुई और ड्राई एंड हार्ड हो गई. अब इस सिक्रीशन को मैं क्या कहूंगी, अब इसको मैं क्या कहूंगी जो ये जाके दोबारा से उसी वॉल के साथ एक नई वॉल बन गई है, इसको मैं क्या कहूंगी, सेकेंडरी सेल वॉल. जो अंदर की साइड पे है वो कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल. क्यों? क्योंकि वो बाद में बनी है. जो बाहर की साइड पे है वो कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि वो फर्स्ट सिक्रीशन जाके ड्राई हुई थी तो वो प्राइमरी सेल वॉल बनी थी, फिर सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है. अच्छा, इसी तरह दूसरे सेल में भी होगा, दूसरा सेल भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक और सेल है, उसमें आई पहले प्राइमरी सेल वॉल, ये उसकी प्राइमरी सेल वॉल है, ये जमा हो गई. फिर उस सेल ने और सिक्रीशन प्रोड्यूस की तो फिर उसकी बन गई सेकेंडरी सेल वॉल, ये आ गई उसकी और मोटी सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, ये आ गई उसकी सेकेंडरी सेल वॉल. सबको नजर आ रही है अलग अलग से, ये इसकी सेकेंडरी सेल वॉल है. ठीक है. अब इन दोनों सेल के बीच में एक और वॉल होती है, जो इनको एक वॉल होती है, एंड दैट इज नोन एज मिडिल लेमेला. इसको कहते हैं मिडिल लेमेला, इसको कहते हैं मिडिल लेमेला. तो बाहर की फर्स्ट वॉल जो सबसे पहले बाहर जाके हार्ड एंड ड्राई हुई थी, प्राइमरी सेल वॉल. फिर सेकेंड जो लेयर है जो बाद में प्रोड्यूस हुई और बाद में जाके हार्ड एंड ड्राई हुई, सेकेंडरी सेल वॉल. और अगर ये सेल करीब करीब है तो इनकी ज्वाइनिंग में जो इनको ज्वाइन कर रही है लेयर इज द मिडिल लेमेला. सो सम सेल्स विच आर मोर थिक, अगर कोई प्लांट सेल ज्यादा थिक है तो वो इन तीनों वॉल्स की वजह से है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला. ठीक है. और अगर जस्ट वन होगी, थिन होंगे, तो जस्ट प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी. मोस्टली द सेल वॉल हैज दीज थ्री वॉल्स, थ्री थिकनेस लेयर्स, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला. खतीजा कुछ समझ में आ रहा है या कुछ परेशानी है? है भाई? ओके. अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, सबके सबको नजर आ रही है स्क्रीन? आ रही है ना? तो इस स्क्रीन पे देखिए, आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा मिडिल लेमेला कौन सी है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल. देखें, सेंटर प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, उसके बाद जो लेयर फर्स्ट बनी वो थी प्राइमरी वॉल जो बाहर आ गई, है ना. फिर जो नई बनी फर्दर सिक्रीशन के बाद, दैट इज अ सेकेंडरी वॉल, देन द सेकेंड लाइन इज द सेकेंडरी वॉल. जो आउटर वॉल है वो प्राइमरी वॉल है और उसके अंदर जो है वो क्या है, सेकेंडरी वॉल है. और फिर फाइनली अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है. बट इफ यू हैव नोटिस इन तीन प्लांट सेल के दरमियान में जो है मेम्ब्रेन या जो लेयर है, दिस इज नोन एज मिडिल लेमेला. इज दिस पिक्चर मेक यू क्लियर? ये पिक्चर की वजह से क्लियर हो गया सबको? गुड. आप चाहे तो ये कॉपी करना चाहे तो भी, ये कंटेंट भी कॉपी कर सकते हैं आप. यहाँ पे जो है थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल इन डिफरेंट सेल ऑफ प्लांट, यानी एक ही प्लांट के किसी सेल में ज्यादा, किसी पार्ट में ज्यादा थिक सेल्स होते हैं, किसी में कम थिक होते हैं. तो जहां ज्यादा थिक होते हैं वो इन तीन लेयर्स की वजह से होते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडिल लेमेला. प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड दिस मिडिल लेमेला.
ओके नाउ द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. स्लाइड आगे करें. स्लाइड आगे करूं. फंक्शंस ऑफ सेल वॉल डिस्कस करें. ओके सेल वॉल क्योंकि हार्ड एंड रिजिड है तो इट गिव अ डेफिनेट शेप टू द सेल. एक सेल का जो शेप जो मैंने बात की के हेक्सागोनल है रेक्टेंगुलर है या जो भी शेप है इट्स बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड एंड थिक लेयर व्हिच गिव अ डेफिनेट शेप टू द सेल. प्लांट सेल इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल. देखें आप नोटिस करें कि प्लांट्स में कोई एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन नहीं है फॉर देयर सपोर्ट. सो द सपोर्ट इज बेसिकली ऑफ द थिक हार्ड सेल वॉल आल्सो और द सेल हैज अ सपोर्ट थ्रू दिस सेल वॉल. इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. मींस कोई मटेरियल सेल के अंदर आना हो या बाहर जाना हो. सेल के बाहर से अंदर आना हो या अंदर से बाहर जाना हो. It also provide a function of transport because it is a permeable. Allow all the material to come in and go out. यानी ये यहाँ से तो permission मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद यहाँ से cell wall उसे आने देगी. फिर उसके बाद ये क्या चीज़ है? This is a plasma membrane. ये check post है. ये semi permeable है और फिर यहीं से ये check करके कि lipid bilayer से pass हो या protein से pass हो या कहां से पास हो, फिर वो चीज जो है वो सेल मेम्ब्रेन चेक करेगी. सेल वॉल परमीएबल है, वो मटेरियल को एंटर होने देगी. ठीक है. एंड बिकॉज इट इज परमीएबल इन नेचर सो इट अलाउ ऑल द मटेरियल टू कम इन एंड गो आउट. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल. क्या क्या बातें की है जल्दी से एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं. हमने बात की है सेल वॉल की, दैट इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड फंगल सेल. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ठीक है. स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया हाउ द सेल्यूलोज फाइबर्स इंटेंगल्ड इनटू ईच अदर एंड सीमेंटेड विद कैल्शियम पेक्टेट. किस तरह वो एक से जुड़े हुए हैं और जैम हुए हुए हैं थ्रू द कैल्शियम पेक्टेट. देन सम ऑफ द प्लांट्स सेल हैव अ थिक वॉल और अ थिक सेल वॉल. एंड थिक सेल वॉल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री लेयर्स. Primary cell wall, secondary cell wall and middle lamina. All these walls are produced by the secretion of the cytoplasm. जैसे जैसे cytoplasm secretion produce करेगा, वो secretion या वो chemical secrete जो हो रहा है निकल रहा है वो बाहर की side पे जाके जमा होता जाएगा, dry होता जाएगा, hard होता जाएगा and finally it become a wall. जो पहली wall बनेगी सिक्रीशन से, दैट वॉल इज नोन एज अ प्राइमरी सेल वॉल. उसके बाद फर्दर सिक्रीशन प्रोड्यूस होगी जो बाहर जाके ड्राई और हार्ड हो जाएगी. इट इज नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है. फिर सेल्स जो आपस में चिपके हुए हैं अटैच्ड हैं, देयर इज द मिडिल वॉल प्रेजेंट विच मेक इट मोर थिकर मिडिल लेमिना. तो ये तीन लेयर्स हो गई, ये सेल वॉल का फंक्शन हो गया. अब हमने सेल की बाउंड्रीज डिस्कस कर ली है. प्लांट सेल में दो बाउंड्रीज हैं, सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन. एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है. नाउ वी मूव ऑन टू द इनर पार्ट यानी प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हैं. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस नेक्स्ट क्लास में हम अपने प्रोटोप्लाज्म में एंटर होके उसको स्टडी करेंगे. ठीक है. ये पूरा वीकेंड पे जो कुछ आज हमने पढ़ा है, जो भी डिस्कस किया है, आप इसको रिकैप कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा. और आप लोग जो है वो मंडे को जब हमारी क्लास होगी ना तो क्वेश्चनिंग होगी, तो आप लोगों को सबको अटेंटिव होना है. ठीक है. ओके जी. अल्लाह हाफिज़.